बात है भारत के एक परिवार में एक त्याग मूर्ति बालक का अवतार हुआ संसार में सौ साल पहले की बात है उस त्याग मूर्ति बालक पर देखो खूनी ने अन्याय किया मासूम अभी पलने में था ममता का आंचल छीन लिया सौतेली माता से उसको माता का प्यार न मिल पाया माली था बगिया थी फिर भी मन का तो फूल न खिल पाया कली से कोमल बालक को पतझर ही मिला बहार में एक त्याग मूर्ति बालक का अवतार हुआ संसार में सौ साल पहले की बात है भोला भाला था और के दुख से दिल को दुखी कर लेता था औरों की आंख के आंसू अपने दामन में भर लेता था थी चार दीवारी में नारी और था अज्ञान का अंधियारा हर तरफ की मौत महामारी और भूखा था भारत सारा मन ही मन वैराग्य हुआ जब दुख देखे संसार में एक त्याग मूर्ति बालक का अवतार हुआ संसार में सौ साल पहले की बात है एक रोज निकल जाए न कहीं बेटा वन में बन सन्यासी ये सोच पिता ने मंगनी कर दी ढूंढ के लड़की चंदासी आज्ञा तो पिता की मानी पर दुल्हन के घर ये खत भेजा ठहरा मेरी कांटों वाली आदर्श मेरा है जनसेवा प्यार ढालना है अपना सारी दुनिया के प्यार में एक त्याग मूर्ति बालक का अवतार हुआ संसार में सौ साल पहले की बात है स्वस्ति श्री रत्नगरी महाशुभ स्थाने अनेक शुभोपमा लायक पित्र तुल्य विद्या चतुर्जी की सेवा में पत्र पाकर आपको आश्चर्य होगा मुमकिन है गुस्सा भी आए लेकिन जो कुछ मैं लिख रहा हूं वो लिखना शायद आपको धृष्टता लगे फिर भी अपने बारे में आपसे कोई बात छुपाना और भी पाप होगा बात यह है कि मैंने पूज्य पिताजी का मन रखने के लिए आपकी पुत्री कुमुद सुंदरी से सगाई की है लेकिन मेरे जीवन का मार्ग है लोक कल्याण और लोक कल्याण के लिए मेरे मन में सन्यास की बड़ी लगन है जो इस सगाई के बाद भी कम नहीं हुई इसका मतलब है वो शादी भी करेगा और सन्यासी भी रहेगा हाँ कितने महान विचार हैं उनके तू चुप रह मेरा दिल तो तभी धड़का था जब मंगनी के दिन वो गायब हो गया लेकिन उसने शादी से इनकार तो नहीं किया ये तो उसने और भी बुरा किया आप लोग तो बेकार की पंचायत कर रहे हैं क्या पता कुमुद को ऐसे ही वर पसंद हो कुमुद को पसंद हो या ना हो लगता है तुझे जरूर पसंद है अब जा यहाँ से कुसुम देख कुमुद को इस बारे में कुछ न कहना मुझे क्या गरज पड़ी है जो बात मुझसे पूछने की थी
वो घर वालों को लिखने की क्या जरूरत थी पागल? पूछा तो तुम्ही से है लेकिन लिखना तो घर वालों को ही पड़ेगा। मैं कहती हूँ लड़की तेरे पेट में रोटी कैसे टिकती है, क्या लगाई बुझाई कर रही है इससे? लगाई बुझाई करने का मौका ही कहाँ दिया इसने, खुद दीवार से कान चिपकाए खड़ी थी, सब सुन लिया है इसने। अच्छा जा तू बाहर जा, चल बाहर जा। मैं चली। और रही रोटी टिकने की बात तो मैं खाती कितना हूँ। बेटी तू इसकी बातें सुनकर अपना मन छोटा नहीं करना, ये चांद सा मुखड़ा देखकर जमाई राजा के सारे आदर्श धरे रह जाएंगे, समझी? घर वालों के जवाब लिखने से पहले तुम अपना जवाब लिख देना, नहीं तो सर पकड़ कर रोना पड़ेगा। तू फिर आ गई, चल। प्रिया तुम्हें मेरी चिट्ठी पढ़कर। क्यों रे तुझे शर्म नहीं आई भांजे की टिच्छी चुराते? और बहू तेरी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं जो भतीजे की चिट्ठी पढ़ रही है? मुझे क्या मालूम था सासू जी कि कुमुद जैसी सती सावित्री शादी से पहले ही प्रेम पत्र लिखने बैठ जाएगी। अरे ये तो सरस्वती के अच्छे कर्मों का फल है जो उसे इतनी चाहने वाली बहू मिली है। हाँ देखा बुढ़िया कैसा ताना मार गई। ये चिट्ठी तो पढ़ बेटा। किसकी चिट्ठी है दादी माँ? अरे तू पढ़ तो सही। जरा जोर से पढ़ बेटा, मैं भी तो सुनूं क्या लिखा है। प्रिय तुम्हें मेरी चिट्ठी पढ़कर आश्चर्य तो जरूर होगा लेकिन क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर हिम्मत कर रही हूं। ये किसकी चिट्ठी है, ये कैसी चिट्ठियां घर में आने लगी? तू पढ़ तो सही, सब समझ में आ जाएगा। मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है लेकिन हजार हजार बार तुम्हारी कल्पना की है, तुम्हारे सपने देखे हैं, तुम्हारी किताबों से तुम्हारे विचार जाने हैं, तुम्हारी कविताओं से तुम्हारे दिल की सुंदरता पहचानी है। ये किसकी चिट्ठी है? श्रीमान सरस्वती चंद्र। दादी माँ वो सरस्वती चंद्र ये मेरी चिट्ठी नहीं है दादी। ठीक है बेटी। क्या बात है चंद्र भाई? अगर पिताजी को मालूम हो गया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। आखिर इसके माने क्या है? अरे ये तो भाभी की चिट्ठी है। उसको चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? उसको तुमसे प्रेम हो गया है। मुझे ये प्रेम रेम की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं मना कर दूंगा। आज भाभी के खत से वो दिन याद आ गया जब तुमने मुझको पहला प्रेम पत्र लिखा था। हटो जी, 5 बच्चे हो गए अब भी ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? चंद्रकांत मुझे दफ्तर जल्दी पहुंचना है, ये चिट्ठी तुम खुद ही डाल देना। डाल देंगे साहब। कैसे हो भैया? अभी अच्छा हूं भाभी। अब क्या होगा? ओहो इतनी लंबी चिट्ठी। प्यारी कुमुद बस कुमारी कुमुद देवी, न मैंने आज तक किसी से प्रेम किया है
और ना आपकी तरह मुझे प्यार और मोहब्बत की बातें लिखना आती हैं। मुझे प्यार की बातें पसंद ही नहीं। ओहो, मेरा प्यार है लोक कल्याण, देश सेवा। आज जबकि गुलामी और गरीबी से देश त्राही त्राही कर रहा है, भारत माता को ऐसे बेटे बेटियों की आवश्यकता है जो सबका मोह छोड़कर लोक कल्याण में जुट जाए। आज लोक कल्याण के यज्ञ में हमें सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। इसलिए मुझे आशा है आइंदा आप मुझे कोई इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखेंगी। सरस्वती चंद्र। जरूरी नोट, अगर आइंदा कोई खत लिखने की जरूरत पड़े तो चंद्रकांत के पते से भेजिएगा। सचमुच तुम दुनिया के सबसे टेढ़े ब्रह्मचारी हो। अभी सीधा कर देती हूँ।
मिले हम मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। वो अपने घर आ रहा है, किसी को उसे लाने के लिए जहाज पे जाना ही चाहिए। रिश्ता ना सही, इंसानियत भी तो कोई चीज है। कैसी इंसानियत उस सर फिरे से? सन्यासी बनना है तो जंगल में जाके धुनी रमाए, यहाँ क्या काम उसका? दादाजी, सरस्वती चंद्र जी पधारे हैं। मैं जाता हूँ। नहीं पिताजी, आपके मिजाज में गुस्सा है, आपका जाना ठीक नहीं, मैं जाता हूँ। देखो उसे बाहर ही बैठाना, यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है पिताजी। मैं भी जरा देख लेती, सुना है बहुत सुंदर है। कोई जरूरत नहीं, मर्द की सूरत नहीं उसके गुण देखे जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। आप मेरे यहाँ आने से कुछ नाराज हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बात दरअसल यह है कि अच्छा हो तुम आ गए, अच्छा हो। आप मेरे कौन हुए? ये तुम्हारे दादा ससुर हैं। अब जीने का सबक तो आपसे लेना पड़ेगा दादाजी। इस दुनिया में जिसके हाथ में तलवार है वही जी सकता है। क्या बात कही है। मैंने तो शक्ल देखते ही पहचान लिया था कि लड़का बहुत गुणी है। तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो विद्या चतुर? आओ बेटे आओ, सुरदन सिंह इनका सामान ऊपर पहुंचवाओ। नमस्ते। नमस्ते, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूं, बैठिए। आप? मैं आप नहीं हूं, मैं उसकी छोटी बहन हूँ, कुसुम जी। खाइए ना। अभी ये लीजिए जीजा जी, अच्छी तरह पहचान लीजिए। कुसुम, अरे नमस्ते भी नहीं किया दोनों ने। नमस्ते। आप गलती ना करना जीजा जी, यही है जिसने ढेर सारी चिट्ठियां लिखकर आपको यहाँ बुलाया है। चुप भी कर, और इसी से आपकी मंगनी हुई है और शादी भी। तो चुप भी करेगी या नहीं? अरे अब क्यों शर्माती हो, सुबह तो पूछ रही थी कौन सा कमरा है उनका, कहाँ ठहरे हैं वो। अब ये ले, आराम से बैठकर बात कर। कुसुम, आई माँ, आई माँ। कुमुद सुंदरी, कुमुद, जब मैं तुमसे दूर था तो मुझे अपने पास बुलाती थी, अब मैं पास आ गया हूं तो मुझसे दूर रहती हो। तुम मुझे क्यों सता रही हो? मेरे सामने आओ ना, मुझे तुमसे इतनी बातें करनी हैं, इतनी सारी बातें कि भगवान मुझे 7 जन्म देगा तो भी पूरी नहीं होंगी। कुमुद,
नमस्ते। आज बहुत गर्मी है, आप अंदर आइए ना। तुम मुझसे आप कहकर क्यों बात कर रहे हो? नहीं तो मैं तो आपसे तुम करके ही बात कर रहा हूं। आइए बैठिए बैठिए, मेरा मतलब है बैठो बैठो ना। कौन सी किताब है ये? यूं ही एक किताब है। तुमने लिखी है? हाँ लिखी थी। मैं देखूं? मुझे लोक कल्याण के लिए ब्रह्मचारी की बहुत इच्छा थी ना। जी तुम बैठती क्यों नहीं? बैठो फिर आराम से बातें करेंगे। पहले तुम बैठो। तुमने तो मुझे देखकर कुछ भी नहीं कहा। कहा ना, तुमको देखकर तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारे क्या तुम्हारे तुम्हारे इस कमरे की छत बहुत सुंदर है। छत? दीदी मैं जाती हूँ। मगर मैं तो तुमसे एक बात भी नहीं कर सका हूँ, ना तुमने ही कोई बात की। कहाँ छुप गई हो दीदी? जाती हूँ। सचमुच तुम दुनिया के सबसे प्यारे बुद्धू हो। चौवा अब के सत्ता नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। एक दो तीन चार एक बार आधा, अगर अब के नहीं आया तो मैं खेलने ही छोड़ूंगी। जय राजा नल पूरे साथ दे दे, फिर पूछती हूँ जीजा जी का नाम। पूरे साथ साथ साथ, एक दो तीन चार पाँच छह सात। कह जीजा जी काम से। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, आपके लिए मैं आपके लिए ठंडा शरबत लेकर आती हूँ। मुझे भी प्यास लगी है। ठहरो मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं दीदी तुम बैठो, बहुत बुरी मार खाई है इन्होंने, जरा फल वल खिला तब होश आएगा। चलो सुशीला। खाते क्यों नहीं? तुम खिलाती जो नहीं। कह तो रही हूँ ये सेब खाओ। लाओ। ऐसे तो भिखारी को भीख भी नहीं दी जाती। छी, ऐसी बातें क्यों करते हो? तो फिर दो। जीजा जी हा? लीजिए ठंडा शरबत पी लीजिए। दरवाजा बंद कर देना। कोई सुन लेगा तो दीवाने हो गया हो क्या?
हुआ तो नहीं, लेकिन हो जाऊं तो मुझे दोष न देना। चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सबदन चंचल चितवन ये काम कमान भमे तेरी पलकों के किनारे कजरारे, ये काम कमान भमे तेरी पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सबदन चंचल चितवन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सबदन चंचल चितवन इतनी सुबह हो गई और तूने मुझे जगाया भी नहीं। जगाती कैसे, सुबह ही तो तुम सोई हो। देखो बेटा, घर पहुंचते ही अपनी कुशल की चिट्ठी लिख देना। जी हाँ। जी तेरा। मुझे आज्ञा दीजिए। और बेटा,
मेरी चिट्ठी का जवाब भी जल्दी अपने पिताजी से दिलवाना। जी हाँ, मैं अपने फर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। चलो बेटा, देर हो रही है, जहाज का समय हो गया। चलो। क्या बात है बेटा, कुछ भूल आए हो? जी हाँ। क्या भूल है बेटा, मुझे बताओ, मैं अभी ला देती हूँ। अरे तुम कहाँ ढूंढती फिरोगी? ठीक है ठीक है, जाओ बेटे, तुम ही ले आओ। जी हाँ। लौट क्यों आए? तुमसे एक बात करनी है। मुझसे बात करनी है तो इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या है? घर से खत आया है, दादी माँ की हालत अच्छी नहीं है। वैसे भी जितनी जल्दी मैं यहाँ से जाऊंगा उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें अपना बना सकूंगा। न जाने ये जल्दी कितनी देर की होगी, तुम्हारे बिना जुदाई के दिन मैं कैसे काटूंगी? यही बात तो करनी है तुमसे। मैं जाने की तैयारी करके फंस गया हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जा सकता। लगता है मेरे पांव पत्थर होकर जमीन में गड़ गए हैं। जी चाहता है जिस तरह भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था वैसे ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। मैंने कब ना कहा। इसके लिए अभी देर है, बाजे गाजे के साथ फिर वापस आना पड़ेगा। देख रहे हो भैया? सब कुछ देख रहा हूं बहन, अभी तो सिर्फ तस्वीर आई, जब वो खुद पधारेंगी तब देखना। बाजू क्या भाई, अगर अपनी बहन की बुद्धि यूं ही चलती रही तो मुझे भी इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब भी कहता हूं सरस्वती के साथ मुझे भी हिसाब पर लगा दे। संभाल के संभाल के, आहिस्ता रखो आहिस्ता रखो। अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। ओहो दादी माँ, डॉक्टर ने तुमको पलंग से उठने को मना किया है और तुम चलती चलती यहाँ पहुंच गई। चलो मैं तुम्हें नीचे पहुंचा दूं। अरे छोड़ डॉक्टरों को बेटा, मेरे रोग का इलाज तो ये है, बस ये मेरे घर में आ जाए तो मैं खुशी खुशी पलंग सुधार जाऊं बेटा। अरे चंद्रकांत, अंगूठी तैयार हो गई? तुम्हारा हुक्म हो और तैयार ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? ये लो 5000 में कोई ऐसी अंगूठी बनवा दे, मेरा नाम बदल देना। देखो दादी, तुम माँ होकर बेटे की मुझसे शिकायत कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही बेशरम, और जो कहना हो कह लो, लेकिन मेरी बात सुन लो, मुझे आपके बेटे के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा। वो आंखें बंद करके पैसा पाने की तरह बाहर रहा है, लेकिन आपको तो आंखें खोलनी चाहिए। मेरा धन भाई भी तो आप ही का बेटा है, या उसे कहीं से उठा कर लाए हो? आप अभी से दोनों का हिस्सा अलग अलग कर दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं तो फिर धूरत भाई को उसके साथ हिसाब पर लगा दो। आप हिसाब की देखभाल कर नहीं सकते, आखिर कोई तो बड़ा चाहिए उसे देखने वाला। चंद्रकांत, प्यार मुझको रास नहीं आया। क्या हुआ, पिताजी ने कुछ कहा? मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं सब समझता हूं, मुश्किल तो ये है, तुम्हारी मां मेरी मां के समान है,
पर वो भरत को राजगद्दी पर बिठाए बिना चैन नहीं लेगी। मुझे उसकी खुशी है, धन भाई मेरा भाई है। चंद्र भाई, दादी माँ की हालत बहुत खराब है, आपको फौरन बुलाया है। सारी जायदाद तेरे नाम कर दी है। नहीं दादी माँ, ये मुझे नहीं चाहिए। तू बहुत भोला है, तूने दुनिया नहीं देखी, मैं सब देख रही हूँ बेटा। तो ऐसा करो दादी माँ, ये मिल्कियत तुम धन भाई को दे दो, वरना जिस घर में इतनी शांति है वहां झगड़े फसाद उठ खड़े होंगे। ये मेरी आखिरी इच्छा है बेटा, हाँ कह दे, हाँ कह दे। दादी माँ, हाँ कह दे। श्री कृष्ण शरण श्री कृष्ण। उनकी चिट्ठी है, ला दे इधर। कुसुम, किसी की चिट्ठी पढ़ना अच्छा नहीं, दे देना। दे दे वरना। वरना क्या करूंगी? पिताजी से कहूंगी। क्या कहोगी? कहूंगी कुछ भी कहूं, तुझे क्या? दे देना। नहीं देती। दे? नहीं 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 नहीं। आओ, आओ, आओ। अरे 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 पगली, ये सरस्वती की चिट्ठी नहीं है, तेरी शादी की चिट्ठी है, पिताजी ने लिखी है। देख, मैं तो माली को देने जा रही थी कि डाक में डाल देगा। क्यों, अब चिट्ठी नहीं चाहिए? इस चिट्ठी को लेकर मैं क्या करूं? दे आ माली को। अरे अरे, ये तो पूछ के शादी कब की है। मैं क्यों पूछूं? तुझे जरूरत है तो रट लेकर आई। हाँ जी, हम तो रटेंगे ही, जैसे सरस्वती से शादी हमारी होगी। सुन, क्या है? कब की शादी है? सुनती हो जी? अजी सुनती हो? क्या है? ये विद्या चतुर्जी की चिट्ठी आई है, माघ के महीने में ब्याह के लिए पूछा है उन्होंने। पूछा है तो जवाब दे दो, इसमें मुझसे क्या पूछते हो? मेरा तो इस ब्याह से कलेजा धक धक करता है। क्यों? अभी तो घर के चौखट के अंदर पांव भी नहीं आए, सिर्फ तस्वीर आई है तो एक अर्थी निकल गई, और जब खुद पधारेंगी तो भगवान जाने क्या होगा। कैसी मूर्खों की सी बातें करती हो तुम। हाँ हाँ, मैं तो मूर्ख हूँ, विद्वान तो आने वाली है, आप तो हमेशा यही कहकर मेरा गला दबा देते हैं। लेकिन अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, उसने तो आप पर ऐसा जादू कर दिया है कि मेरे बेटे को आपने जिंदों में गिनना ही छोड़ दिया। आइंदा इस किस्म की बातें मत करना, मेरे दोनों बेटे मेरी दोनों आंखों के बराबर। जाओ जाओ, दादी का सारा माल वो हड़प गया तो आपकी जुबान हिली? वो माँ का अपना पैसा था, अपनी खुशी से उन्होंने उसको दे दिया। और मेरा जो सारा पैसा दबा लिया तब आप कुछ बोले? वो तुमने शेयर से निकलवा कर लोन में डलवा दिया था, डूब गया, इसमें बेचारे सरस्वती का क्या कसूर है? अरे काहे का शेयर और काहे का लोन, सावन की खबर भी है, 5,000 की अंगूठी बनवाई है। 5,000 की अंगूठी? हाँ, पूरे 5,000 की, बहू के लिए। मैं इस बात का यकीन नहीं करता कि सरस्वती मेरे जीते जी बहू के लिए 1 रुपए की चीज भी खरीद सकता है, या बहू के घर वाले इतने नीच हैं कि अपनी बेटी के लिए 1 पैसे का बोझ भी हम पर डालें। पिताजी आप मुझे नीचे बुला लेते। मुझे जानकर दुख हुआ बेटा कि ससुराल से आने के बाद तुम्हारे तौर तरीके ही बदल गए। मैं जानता हूं जवानी अंधी होती है, और एक औरत इसका फायदा उठाकर एक घर को बर्बाद भी कर सकती है। शादी से पहले तुम्हारी यह हालत है, जब ये घर में आएगी तो क्या होगा?
ये आपकी गलत फहमी है पिताजी। मैं अंधा नहीं। क्या बालकेश्वर के बंगले पर तुमने फजूल खर्ची नहीं की? क्या बहू के लिए तुमने 5,000 रुपए की अंगूठी नहीं बनवाई? क्या ससुराल वालों के कहने में आकर तुमने मां से मिल्कियत नहीं लिखवाई? पिताजी आप मुझे सफाई का मौका तो दीजिए। अब तुम जरा खामोश भी तो रहो। एक तो गलती की, ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। नहीं नहीं, इसे कहने दो। हम ये देखना चाहते हैं कि ससुराल वालों ने इसकी बदतमीजी और हौसला कहां तक बढ़ा दिया। किस बात की सफाई दोगे? क्या गुमान का पैसा लोन में लगाकर तुमने डबो नहीं दिया? क्या तुमने अपना पैसा शेयर में लगाकर उससे मुनाफा नहीं कमाया? क्या ये सब कुछ करते वक्त तुमने मुझसे राय ली थी? ये अच्छा नहीं है सरस्वती चंद्र। औलाद को चाहने वाले बाप के प्यार को समझना चाहिए। मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। मैंने सरस्वती को गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, शायद इसीलिए वो खाना खाने नहीं आया। बुला लाऊं? हाँ, उसके बगैर निवाला हलक में अटकता है। आप चैन से खाना खाओ, मैं उसे अभी बुला लिया। खाना खाने क्यों नहीं आए? किस बात की सजा दे रहे हो तुम अपने बाप को? मुझे भूख नहीं है माँ। भूख नहीं है? ये अपने बाप की रोटी नहीं खाना चाहते? ऐसे ही नाकदार हो तो घर भी छोड़ दो। घर भी तो तुम्हारे बाप का है। शादी से पहले तुम्हारी यह हालत है, जब ये घर में आएगी तो क्या होगा? किस बात की सजा दे रहे हो तुम अपने बाप को? नहीं नहीं, इसे कहने दो। ये देखना चाहते हैं कि ससुराल वालों ने इसकी बदतमीजी और हौसला कहां तक बढ़ा दिया। ऐसे ही नाकदार हो तो घर भी छोड़ दो। घर भी तो तुम्हारे बाप का है। मैं अंधा नहीं। मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। पिताजी मेरा मुंह देखना नहीं चाहते। माँ भी चाहती है कि मैं घर से चला जाऊं। अच्छा यही होगा कि सबके सुख के लिए मैं घर का त्याग कर दूं। मुझे कुमुद का भी त्याग करना होगा। क्या बात है चंद्र? ये दादी का पैसा है और ये जायदाद के कागज हैं। इसके एक एक पाई लोक कल्याण के लिए है। लेकिन बात क्या है भैया, साफ साफ बताना। क्या बताऊं भाभी, कितने मीठे सपने थे। मैं और कुमुद, हमारा घर, हमारी छोटी सी दुनिया, लेकिन अब कुछ नहीं रहा। पिताजी का दोष नहीं, मां ने ही उनको मेरे खिलाफ भड़काया है। आज उन्होंने मां के कहने में आकर भोली कुमुद और उसके घर वालों पर जो दोष लगाए हैं, उसके बाद शादी करके मैं कुमुद को इस घर में सुखी नहीं रख सकूंगा। क्यों? आप और कुमुद वालकेश्वर के बंगले में अपना अलग घर बसा लेना। नहीं नहीं, अलग होकर मैं पिताजी का दिल नहीं तोड़ सकता। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? जो करना था वो कर चुका हूं। मैंने कुमुद के पिताजी को चिट्ठी लिख दी है कि अब न मेरे पास धन दौलत है न घर बार। वो चाहें तो कुमुद की शादी ऐसे घर में करते
जिस घर में उसको प्यार मिले, मान मिले। ये तुमने क्या किया? बुरी तरह पछताओगे। दुनिया में सब कुछ मिलता है दोस्त, लेकिन ऐसा प्यार नहीं मिलता। हाँ चंद्रकांत, एक दिन मैंने तुम्हें कहा था ना, प्यार मुझको रास नहीं आया। मेरे भाग्य में प्यार नहीं है दोस्त। जा कहाँ रहे हो? बिना कुछ फैसला किए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कुछ तो सोचिए, बेचारी कुमुद का क्या हाल होगा। फिर कहता हूँ, तुमने बहुत जल्दबाजी की। कुमुद ने आपका क्या बिगाड़ा है? माँ बाप से आपका झगड़ा हुआ है, उसके लिए कुमुद को क्यों सजा दे रहे हैं? मैं तो कहूंगा तुम फौरन जहाँ से चले जाओ। हाँ भैया, जाकर कुमुद से सब कुछ कह दीजिए। मुझे विश्वास है उसे आपसे प्यार है, आपकी धन दौलत से नहीं। मैं क्या करूं भाभी? मेरी बात मानिए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप कुमुद के घर चले जाइए। जाएंगे ना भाभी? सुना है चिट्ठी आई है, कब का मुहूर्त निकला? वो तो घर छोड़कर चला गया। ये क्या गजब हो गया? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? घर में कुछ झगड़ा हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। तुम जाकर दर देखो, शायद कुमुद के खत में कुछ लिखा हो। कुमुद, कुमुद बेटी, बेटी, माँ, न रो बेटी, तेरे पिता आज ही खत लेकर सारा हाल पूछेंगे, भगवान सब ठीक करेंगे। नहीं माँ, मेरा जी बड़ा घबरा रहा है, ऐसा लगता है कुछ होने वाला है। जरूर कुछ होने वाला है माँ। कभी भूल सकता हूं न तुम, लेकिन मन पर पत्थर रखकर सब कुछ सहना ही होगा कुमुद। कौन जाने मैं कल कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, मेरे लोक सेवा के आदर्श का क्या होगा। कुमुद और चंद्र मिल नहीं पाते, लेकिन उनकी आशा कभी नहीं टूटती। अब तो तुम्हारे पवित्र प्रेम की याद ही मेरा जीवन है। एक ही कामना करता हूं कि तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारा भागा चंद्र। स्वर्णपुर के प्रधान है ना बुद्धिधन, उनके लड़के प्रमाद धन का रिश्ता कुमुद के लिए आया है। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया, फिर दूसरा आना भी मुश्किल है। सब लोग यही पूछेंगे लड़की की मंगनी क्यों टूट गई। कुमुद की शादी हो तो कुसुम की बारी आए। और कुमुद के लिए भी यही अच्छा है कि जल्दी से जल्दी उसका कहीं रिश्ता हो जाए। बेचारी न कुछ खाती है न पीती है, बस रो रो के जान दिए देती है। बहू कुछ तुम भी तो बोलो,
मैं क्या बोलूं? मेरी लड़की के दिल पर तो पहाड़ टूट पड़ा है। जब आप सरस्वती चंद्र को दिल से नहीं निकाल सकते, वो तो उसे कब से मन में बसाए हुए है। तो फिर मैं उन लोगों को मंजूरी का खत लिखे देता हूँ। नहीं माँ, नहीं, उनके बिना मैं नहीं जी सकूंगी। किसी और से मेरी शादी कराने की बजाय मुझे जहर दे देना। बेटी, तू जानती है शास्त्रों में नारी को शक्ति क्यों कहा गया है? अपने मन में बसे हुए पुरुष को निकालकर भाग्य से पाए हुए पति को देवता मान लेना नारी ही कर सकती है। इसीलिए भारत की नारी को देवी कहा जाता है। नारी के इसी त्याग से आज भी भारत की सभ्यता जीवित है। फिर ये भी तो सोच, तू अपनी जिद से अपनी छोटी बहन का जीवन बर्बाद कर देगी। तेरी शादी हुए बिना उसका रिश्ता नहीं हो सकता। माँ, मायज्ञानम प्रधानम बुरसा दिशिवादा गरुजो वेन आवा तबुद्ना उपमा अच्यविता तदचयो मायज्ञानम प्रधानम बुरसा दिशिवादा सुखी रहो बेटी। माँ की कोख की लाज रखना, अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करना और पति को परमेश्वर मानना। रो मत कुसुम, इसी में माता पिता और सारे परिवार का सुख है। तुम उनकी मनोकामना पूरी करो। और कभी उनका पता मिले। चलो बेटी। बस एक कली ही ऐसी थी जिसने उसे अपना प्यार दिया। किस्मत तो देखो वो भी कली, अब हो के पराई दूर चली। पिंजरे का पंछी यूं होके वो मजबूर चली।
इस चांद को तो बदली से निकालो, तो हमसे कैसा पड़ता है? कितना भाग्यवान हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी सुंदर होगी। मैंने सुना था कि किसी और के साथ तुम्हारी मंगनी हो गई थी, लेकिन टूट गई। अब मैं सोचता हूं कि कितना बदनसीब था वो। मैं आपकी दासी? ऐसे नहीं, सब कुछ खोया
प्यार तेरा पाने को छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे दर दर भटकाने को प्यार तेरा पाने को हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को चलो भाभी वहां बैठेंगे भाभी जरा देखो तो क्या हुआ एक आदमी बिल्कुल तालाब के किनारे पड़ा सो रहा है पराए पुरुष की तुम क्यों चिंता करती हो चलो वापस आओ नहीं भाभी जरा सी करवट लेगा तो सीधा तालाब में जाएगा अच्छा तो जाके जगा दो उसे अरे ओ भाई अरे 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 जरा संभल के नहीं तो जाओगे सीधे पानी के अंदर वो कौन है अच्छा पर्दे से जान पड़ते हो प्रधान बुद्धिधन का नाम नहीं सुना तुमने उनके बेटे की बहू है मेरी भाभी है कुमुद सुंदरी कुमुद सुंदरी क्यों क्या बात है जी कुछ नहीं नवीन चंद्र जी नवीन चंद्र जी कहाँ हो देखो बुद्धिधन के दर्शनों के लिए मैं उनको खुद तुम्हारे पास ले आया हूँ नमस्ते प्रधान जी तुम कहां के रहने वाले हो बंबई यहां किस काम से आए हो काम दुनिया देख रहा हूं कुछ पढ़े लिखे हो कुछ अंग्रेजी कुछ संस्कृत तुम्हारा नाम नवीन चंद्र किस जात के हो आप ही की जात का हूं अरे ये पहले क्यों नहीं बताया आज से तुम धर्मशाले में नहीं हमारे घर रहोगे बड़ी कृपा है आपकी लेकिन मैं तो आज ही जाना चाहता हूं ये कैसा हो सकता है अरे पुरोहित जी जी इनका सामान हमारे घर भिजवा दीजिएगा जी नहीं भगवान नहीं इतनी कठिन परीक्षा ना लो मेरी मैं इसमें पूरी नहीं उतर सकूंगी जो मेरे जीवन से निकल गया है अब उसका इस जीवन में आने का कोई अधिकार नहीं कोई अधिकार नहीं आज तो समझी के घर का खाना याद आ गया बहू के हाथ का खाना इतना पसंद आया कि देखते तक नहीं कि मेहमान ने कुछ खाया भी या नहीं अरे अलग मिठाई तो लिया नहीं नहीं यही बहुत है अरे शर्माते क्यों नहीं आपने कुछ खाया नहीं लीजिए ना लो बेटा लो लो हाँ शायद आपको हमारी बहू के हाथ का खाना पसंद नहीं आया जी नवीन चंद्र जी जी क्या आपकी शादी हो गई जी मंगनी तो हुई होगी मुझे तो इनकी सूरत से कुछ और चक्कर मालूम होता है ये मेरी लड़की अलग माँ के लाड से बहुत शरीर हो गई है बाप के लाड से बेटा उससे भी ज्यादा बिगड़ गया है प्रमाद भैया नवीन चंद्र जी से मिलके शर्म आई या नहीं देखो उम्र में तुमसे कितनी कम है फिर भी कितनी विद्वान है अच्छा आपको पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं
अरे ज्यादा क्या, कम भी नहीं पढ़ सका। लेकिन मैंने इसकी कमी पूरी कर दी है, बहुत पढ़े लिखी बहू लाया हूं इसके लिए। दीवान विद्या चतुर का नाम तो सुना होगा तुमने, उनकी बड़ी बेटी कुमुद। पुरोहित जी कह रहे थे कि आपको मुझसे बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, आज रात यहीं सो जाना। जी, आप जितनी देर चाहें बातें कीजिए, मुझे रात को जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी बातों से ऐसा मालूम होता है काश तुम मेरे बेटे होते, या मेरा बेटा तुम जैसा होता। लो अलक आ गई, आओ बेटा। नवीन चंद्र आज यहां सोएंगे। इन्हीं का ही तो घर है। ये बात छुपी नहीं है कि मैं कुछ पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मगर सच्चाई और मेहनत से दीवान बन गया हूं। आशा थी मेरा लड़का प्रमाद पढ़ लिख कर मेरा सहारा बन जाएगा, लेकिन मेरा ये अरमान पूरा न हो सका। मेरे सरकारी कागजात वगैरह तुम्हारे पास भेज दूंगा, उन्हें पढ़कर तुम मुझे अपनी राय दे देना। प्रमाद आ गया बेटी। हाँ माँ जी, वो तो आज खाना खाकर सो भी गए।
जरा आंख लग गई, मैं खाना गरम करके लाती। नहीं नहीं, रात बहुत हो गई है, खाना मेरा नहीं खाऊंगा। क्यों, कहीं से खा के आए क्या? नहीं, भूख मर गई है। वो शटरा है ना, वो पद्मा की कोठी पर पकड़ा गया, उसके सिलसिले में कोतवाली जाना पड़ा। मैंने तो आपसे कभी नहीं पूछा कि आप क्यों देर से आते हैं। कुमुद, तुम सिर्फ सुंदरी नहीं बुद्धिमान भी हो, तुमने मेरी कमजोरी को समझ लिया, बस यही अच्छा है। तुम इसके बारे में कभी ना पूछो। अलग बहन की कमरे से कैसी आवाज आ रही है? अलग बिटिया, क्या हुआ? अरे अरे, ये खिड़की खुली है, वो शायद यहीं से घुसा होगा। संभल के। पतिव्रत धर्म के लिए जो मैं तपस्या कर रही हूँ उसे भी भंग करना चाहते हो? तुमने मुझको समझने में भूल की है कुमुद, तुम्हारा और मेरा धर्म अलग अलग नहीं है। हे भगवान, मुझे हाथ ना लगाओ, मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर हो जाओ। अरे ये क्या भाभी, नवीन जी तो घायल हो गए। माँ, पिताजी, प्रमाद भैया। नवीन जी, बहुत दर्द है क्या? दवा पी लीजिए। दर्द ही तो अब दवा है मेरी। ऐसा नहीं कहते, उठिए दवा पी लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपने पाप का प्रायश्चित किए बिना मरना नहीं चाहता। नवीन जी, उठो दवा। तुम्हारा भाई हूं। ये मैंने क्या किया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने मुंह पर कलंक लगा लिया, अब मैं कैसे दुनिया को मुंह दिखाऊंगी? नहीं बहन, मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुम मेरे सच्चे भाई हो, मुझे क्षमा कर दो। इस शर्म को मन से निकाल दो बहन, मुझे दवा पिलाओ।
कि तुम मजे आ गए। क्यों, क्या हुआ? अलग और मेहमान दोनों का बड़े मजे में वक्त गुजर रहा है। लेकिन ठीक ही तो है, जिसने आबरू की रक्षा की उसे भी लुटा दी जाए, उसमें क्या पाप है? खबरदार जो मेहमान के बारे में ऐसी नीच बात जबान से निकाली। अलग बहन, अब कैसी तबीयत है मेहमान की? हद कर दी भाभी, तुम्हारी चौखट के बाहर एक भला आदमी दम तोड़ रहा है और तुम उसे एक नजर देखने भी नहीं गई, जैसे पुराना बैर हो तुम्हारा उससे। बड़ी पत्थर दिए हो। अजी चाकर राखो जी। मेरा गाना आप क्यों गा रहे हैं जी? अजी इसलिए कि तुम आजकल कुछ बेसुरी हो गई हो। अपनी दुल्हन के पास जाइए, वो बड़ी सुर में है। अरे मार गोली उस दुल्हन। कलिका इसे रख दे। पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो। हाँ, तुम्हारे मायके से तुम्हारी चिट्ठी जो आई है, बहुत थक गया हूं, सर में दर्द भी है। तुम्हारे हाथ से गर्म दूध मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे चिट्ठी तो लेती जा। चली, छोड़ो मुझे। क्या तुम मुझे ऐसे ऐसे समझते हो? मैं पद्मा नहीं हूँ, इज्जतदार लड़की हूँ। हाँ। बड़ी आई इज्जतदार। मालकी, आपने पति को संभालिए, मेरे वजह से कम रात को घर तो लौट आते हैं, नहीं तो पद्मा की कोठी पर भरे बाजार में खानदान का मुंह काला करवाते हैं। दूध गिर गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खत पढ़ लिया। मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों के लिए तुम अपनी माताजी के पास चले जाओ, अच्छा रहेगा, तुम्हारी तबीयत जो ठीक नहीं रहती। खत के चक्कर में ये हाथ में देना ही भूल गया, तुम्हारे लिए लाया, पसंद है ना? आओ अपने हाथों से पहना दो। मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए। अरे कपड़े क्यों खराब कर रही हो? मुझे बाहर जाना है।
मुझे छोड़ के ना जाइए, आज मुझे अकेला छोड़ के ना जाइए। ये तूने क्या किया सरस्वती? तूने गाय जैसी भोली लड़की को कसाई के हाथ सौंप दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है, अब इसका प्रायश्चित तू कैसे करेगा? इसे इन नंगारों में छोड़कर तू यहां से कैसे जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जिस आग में तूने कुमुद को झोंक दिया है उसी आग में अब तुझे जिंदगी भर चलना होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं प्रमाद को समझाऊं? तुम क्यों हमारी जिंदगी में दखल देते हो? हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत सुखी हूं। कि दिया बत्ती भी नहीं थी। चलो ना नीचे, गरबा के लिए सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। मुझे माफ कर दो बहन। किस किस को माफ करूं? उधर नवीन भाई घंटों मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो की रट के बाद अब नीचे पधारे हैं। यहाँ तुम कह रहे हो मुझे माफ कर दो, मेरा क्या, मैं तो माफ कर दूंगी, लेकिन घर की बहू खुद गरबा में नहीं आएगी तो मेहमान क्या कहेंगे? तुम कपड़े बदल कर जल्दी आओ, हम चलते हैं। चली बाबू
बेटी, इस घर की लाश तेरे हाथ में है। तेरा पति ही तेरा परम परमेश्वर है। ये क्या कर रही थी मैं? हे भगवान, ये क्या कर रही थी? अम्बा माँ, मेरी माँ के रूप में आकर तूने ही मेरी रक्षा की। मेरा ये अपराध क्षमा कर दो। सरस्वती के सुख के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं माँ? क्यों आई कुमुद? कोई देख लेगा तो तुम्हारी क्या दशा होगी? अब क्या दशा होगी मेरी? जो विद्वान था उसने ब्याह से पहले छोड़ दिया, जो अनपढ़ है उसने ब्याह के बाद छोड़ दिया। नहीं कुमुद, तुम मुझे दोषी बना रही हो। मैं तो तुम्हें मैं कुछ कहना सुनना नहीं चाहती। तुमसे सिर्फ यही कहने आई थी कि तुम यहां से चले जाओ। अगर बंबई नहीं जाना चाहते तो मेरे पिता के पास चले जाओ। लेकिन एक प्रार्थना है, मेरी जैसी दशा किसी और स्त्री की न करना। मैंने तो सह लिया है, लेकिन पत्थर जैसा कलेजा होगा तो वो भी फट जाएगा। मेरे यहाँ रहने से तुम्हारे दुख बढ़ते जा रहे हैं। मेरी वजह से तुम्हें और दुख न मिले, इसलिए जा रहा हूं। Thank you.
पिता समान बुद्धिधन जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। मुझे अगर मालूम होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो जरूर लिख जाता, लेकिन आप लोग मेरी चिंता न कीजिएगा। भगवान आपके घर को सुख और शांति का सागर बना दे। आपका नवीन चंद्र। ऐसी क्या बात हो गई, बगैर कुछ कहे सुने ही चला गया। बहू, तुम तो बराबर वाले कमरे में थी ना, तुम्हें भी बेटा कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ पता नहीं चला। बहुत बचपना किया उसने, समय बहुत खराब है, डाकू दिन दहाड़े मुसाफिरों को लूट रहे हैं। क्यों भैया, आपने मुझे पहचाना के नहीं? नहीं। अरे, अपने जन्मदाता को नहीं पहचाना? इन्होंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। हरी बोल, मैं अपने जन्मदाता को जरूर पहचानता हूँ, लेकिन आपको नहीं। आपने कब मेरी जान बचाई थी? अरे भैया, भद्रेश्वर के तालाब में तुम डूब के मरते थे, तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। हरी बोल। लेकिन भद्रेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में ही नहीं देखा। अरे भद्रेश्वर नहीं तो अंकलेश्वर देखा होगा। अंकलेश्वर मैंने सपनों में अभी नहीं देखा है। नहीं देखा तो अभी देखोगे, उसमें क्या है। अरे कलमुआ, अरे मुझे अकेली को छोड़कर कहाँ चला? देखो ना भैया, कलमुआ मुझे अकेली को छोड़कर चला गया। चला गया? ओए, गहने उतार। अरे वाह, गहने कैसे उतार? गहने उतारता हूँ, गहने उतार। अरे चल हट, कलमुआ है। जीवन नष्ट करने का पाप लेकर नहीं मरना चाहता, मुझे इस पाप का प्रायश्चित कर लेने दो, इसके बाद मुझे मौत का कोई डर नहीं। बात है मोहनपुरी? गुरुदेव, एक मनुष्य पड़ा है, मालूम नहीं जीवित है या मर गया। उसे उठा लो वत्स, इस समय का चौघड़िया शुभ है, ये कोई अवश्य महान आत्मा है, इसे मठ में ले चलो। जो आज्ञा गुरुदेव। दिल किसी को दिया? क्यों रूठ गई क्या? छोड़ो मुझे। फिर इतनी देर? अरे दिल ना तोड़ करेगा, दिल ना तोड़। अरे मैं भी क्या करूं, उस सती सावित्री की वजह से तो मुझे घर निकाला हो गया, उससे दिल लगाने का मौका ही नहीं मिलता। और ना तू ही बता मेरी रानी, क्या तुझे छोड़ के मैं कभी नल दमयंती का नाटक भी देखने गया? तो देवी जी को भद्रेश्वर क्यों नहीं भेजते थे? अरे जाती ही नहीं, मैं तो अंबा देवी को 5 रुपए के पेड़े चढ़ाऊं अगर चली जाए। 5 रुपए की क्यों,
ढाई रुपए की चढ़ा अभी विनती स्वीकार कर लेगी। ये लो नवीन जी का प्रेम पत्र। तुझे प्रेम पत्र लिखा उसने? जान से मार डालूंगा उसे अगर तुझ पर नजर डाले। क्या नाम? जी हाँ अब क्या इरादा है? देवी जी ये कष्ट क्यों कर रही हो? मैं तो पापी आदमी हूं, मेरा पाप और क्यों बढ़ाती हो? और फिर मैं तुम्हारा देवता थोड़े हूं, तुम्हारे देवता तो चले गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ हाँ मेरी बातें तुम्हारी समझ में क्यों आने लगी? मैं जो ठहरा गंवार जाहिल और तुम पढ़ी लिखी। लेकिन देवी जी मैं दिल का इतना बुरा आदमी नहीं हूं, कल ही तुम्हारे मायके जाने का इंतजाम किए देता हूं। रास्ते में कोई दूसरा देवता मिल ही जाएगा, देवता की कमी नहीं, पूजने वाले के पास दिल चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया है क्या आपसे? साफ साफ क्यों नहीं बताते? साफ साफ पढ़ जो नहीं सकता गवाह जो ठहरा, लो खुद ही पढ़ लो। अगर वही देवता कहीं रास्ते में मिल जाए तो उसके चरणों में भेंट कर देना। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। आपके चरणों में पड़ा रहने दीजिए मुझे, आपकी सेवा में ही मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बड़ी सत्य सावित्री बन रही हो तुम, इस लायक नहीं मेरे माता पिता की बहू बने, तू तो पद्मा से भी गिरी हुई है। चुपचाप यहां से चली जा, इसे में तेरी और तेरे घर वालों की इज्जत है, नहीं तो ये खत मैं सबको दिखा दूंगा। नहीं ऐसा ना कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा ना कीजिए। अगर आप मुझे अपने कदमों में जीने का अधिकार नहीं दे सकते तो मेरी गर्दन उड़ा दीजिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये क्या भैया, क्या नाटक रच रहे हो? क्या बोल, मां की तबीयत ठीक नहीं तुम जानती हो, मैंने इसे कहा इस वक्त तुम्हारा मायके जाना ठीक नहीं, फिर कभी चली जाना तो कह रही है गर्दन काट लूंगी। अच्छा बाबा जाओ, गर्दन तो न काटो। कलिका जी इसका सामान बांध दे, ये मायके जाएगी। अलग पिताजी से कहकर गाड़ी का इंतजाम करवा दो। बस खुश हो गई? ये नहीं हो सकता, जरूर कोई बात है। अरे मेरे पर विश्वास ना हो तो खुद पूछ ले। बोलो भाई बोलो बोलो बोलो, कुछ और बात है तो बोल पूछ ले। क्या बात है भाभी, मुझसे नहीं कहोगी? कुछ नहीं कुछ नहीं अलग बहन। बात बहुत से आदमी कर दिए हैं और घर पे खबर भी दी है, वहां से तुम्हें जरूर कोई लेने आ जाएगा। बेटी तुम्हारे वहां पहुंचने पर घर में आनंद आ जाएगा और यहाँ सब सुना सुना हो जाएगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो इन सबको कौन देखेगा? ऐसा न कहिए माँ जी, आपको कुछ भी नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। अच्छा बेटी जल्दी आ जाना, जब भी आप इन्हें भेजेंगी मैं चली आऊंगी। ए, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी निकल जाओ नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। Thank you.
प्यारी कुमुद बहन, तुम्हें मैं के भेजने का तो सिर्फ बहाना है। वो दोनों चाहते हैं कि तुम हमेशा के लिए दूर हो जाओ और इस घर में कभी ना आ सको। तुम्हारी माता जी जब ये सुनेगी तब पता नहीं क्या होगा। हो बेटी, रास्ते में डर था इसलिए आदमी लेकर चला आया। तुम तो अच्छी हो ना। घर में माँ, पिताजी, कुसुम सब कैसे हैं? वो तो सब तेरे घर के हाल पूछने के लिए तड़प रहे हैं। आओ यही कुछ आराम करें। सबकी सावित्री बन रही हो। तू इस लायक नहीं मेरे माता पिता की बहू बने। तू तो पद्मा से भी गिरी हुई है। जा यहां से चली जा, इसी में तेरी और तेरे घर वालों की इज्जत है। कैसे बातें करती हो माँ? तू प्रमाद को बुला, मैं आज ही बहू बुलाने भेजती हूँ। जब वो आ जाएगी तभी मुझे शांति मिलेगी। 50 रुपए कुमुद को, 10 रुपए की इतर वगैरह, बाकी तो पैसे खर्च हो ही जाता है। 25 रुपए बचते हैं, उसमें तुझे दे देता हूँ। तेरी ये मजा कि तू मेरे भाभी के पलंग पर बैठे, इसमें मेरा क्या कसूर? चुप, भाई को समझा। अलग की औरत, तेरी ये हिम्मत क्या कर रही है? अलग ये क्या कर रही हो? इसका कोई दोष नहीं। कोई दोष नहीं, दोष मुझसे पूछो। अलका बहन, तुम नहीं जानती, इस चुड़ैल ने ही तुम्हारे भाई को फंसाकर कुमुद को घर से निकाल दिया है। अब इन दोनों की वजह से ही शायद कुमुद फिर कभी आवा। अरे क्या हुआ, कैसा शोर है ये? मैं कभी गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। अलग माँ, ये 2 टके की औरत, इसने और भाई ने मिलकर ही भाभी को घर से निकाला है। ये तुम्हारी बहू बनकर भाई के पलंग पर लेटी थी। तेरी जान ले लूं मैं चुड़े। बताओ क्या जादू चलाया मेरी भाभी को घर से निकालने का? बोलती क्यों नहीं? अलग माँ, इसने कुछ नहीं किया है, वो खुद घर छोड़ के भाग गई है। माँ वो अच्छी औरत नहीं है। देखो माँ, ये देखो, देखो ये नवीन चंद्र की चिट्ठी जो उसने तुम्हारी बदजात बहू को लिखी है। खबरदार, जो तूने मेरी देवी जैसी बहू के लिए एक शब्द भी मुंह से निकाला। तू मेरा बेटा नहीं, पिछले जन्म का पाप है, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं नहीं चाहती कि तू जैसे बदचलन की छाया तेरे छोटे भाई पर पड़े। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ। हट, मैं खुद इस घर में नहीं रहना चाहता। कहा जाता है घर का मुंह काला करवा कर? अब मैं तुझे कभी इज्जत से खेलने नहीं दूंगा। जिंदगी भर हवाले में बंदकर छड़ा छड़ा कर मार देंगे, पर कभी इस कहीं का निकल मैं ना जाऊंगा, जान दे दूंगा, लेकिन इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। समझे? जान दे दूंगा मैं, निकल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, मर जाऊंगा। मैं
देखो तो कोई बह रहा है, जाओ निकाल के लाओ। अंधकार है मेरा जीवन, जो बोझ बनकर मेरी आत्मा को कुचलता है। चंद्रावली मैया, तुमने इस अभागन को क्यों बचाया? निराशा तो मृत्यु है बेटा। जिस नदी में बहकर तू यहां आई उसे स्वर्ग का द्वार समझ। अब ये पवित्र स्थान तेरा स्वर्ग है। ये वही महापुरुष है जिसने तेरे प्रेम के लिए संसार का त्याग किया? भगवान की शायद यही इच्छा है तुम दोनों का मिलाप हो। कुमुद, सरस्वती ने तेरे लिए संसार का त्याग किया, अब वो तेरे लिए ही संसार को अपना सकता है। इसलिए तेरा कर्तव्य है तू उसे संसार में वापस ले आ। ये क्या कह रही हो मैया? तुम्हें मालूम है मेरे पैरों में शादी की बेड़ी पड़ी है। संसार का रास्ता उन्हें दिखाना सोच भी कैसे सकती हूँ? ये तेरी भूल है बेटी। तेरा सच्चा पति प्रमाद नहीं सरस्वती। नहीं भैया, नहीं। ये पाप है, अपराध है, अधर्म है मां। मैंने सरस्वती से अपने घर से जाने को कहा था, सन्यास लेकर संसार छोड़ने को नहीं। उन्हें यहां से लौट जाने की बुद्धि दो मां, उन्हें सुखी रखो। बदले में भले ही मेरे प्राण ले लो लेकिन उन्हें बचा लो मां। बेटी मैया, मन को शांत करो बेटी। मन की शांति तो सरस्वती के दुख में डूब चुकी है मैया। अब तो मैं न जी पाती हूँ न मर पाती हूँ। जीवन जीने के लिए है बेटी, और तुम पर तो एक ऐसे व्यक्ति का भार है जिसे हजारों लाखों लोगों की भलाई करनी है। मैं क्या कर सकती हूँ मैया? वो सन्यासी बने जा रहे हैं, मैं उन्हें कैसे बचा सकती हूँ? बोलो मैं क्या करूं? विरह की आग में जलते हुए पुरुष के हृदय की ज्वाला उपदेश के घी से नहीं बुझती, उसे प्रेम दया ममता के गंगा जल से ही शांत किया जा सकता है। सरस्वती चंद्र को केवल तुम ही समझा सकती हो। मैं? स्वामी जी मुझे क्षमा कीजिए, अभी सीढ़ियों के पास चंद्रावली मैया के साथ। नहीं नहीं, मुझे विश्वास है वो कुमुद नहीं हो सकती। वही कुमुद है। कुमुद यहां? लेकिन वो तो अपने ससुराल में थी। तुम छोड़कर आए तो पति ने उसके चरित्र पर कलंक लगाया और सदा के लिए नाता तोड़कर घर से विदा कर दिया। उस देवी पर इतना बड़ा अन्याय, लेकिन वो क्या यहां सन्यासिनी बनने आई है? मन से तो उसी दिन ही सन्यासिनी बन गई थी जिस दिन किसी और के साथ उसका तन बन गया था, और तन का अंत करने के लिए जब नदी में डूबी तो चंद्रावली मैया ने उसे बचा लिया। उसके सारे दुखों का कारण मैं ही हूं। अपने हृदय को संभालो और सुनो, भाग्य ने
उस अभागिनी पर एक और वज्रपात किया है। उसकी सास और पति का देहांत हो गया है। पति का भी? ये आप क्या कह रहे हैं? और उसके दुर्भाग्य का ये समाचार उसे तुम्हें ही देना होगा। मुझे? कुमुद भी तुमसे कुछ कहना चाहती है। चिरंजीव सिंह की पवित्र गुफा में उसकी प्रतीक्षा करो। सुनते हो, चंद्रकांत अभी भी बड़ी अच्छी खबर लेकर आए। सरस्वती चंद्र का पता चला लिया। आओ, कैसे हो चंद्रकांत? कृपा, वो सुंदर गिरी पहाड़ पर विष्णु बाबा के मठ में है, मैं आज ही वहां जा रहा हूँ। और मैं भी चंद्रकांत जी के साथ जा रही हूँ, कितना मजा आएगा। आबो हवा भी बदल जाएगा, क्यों ना हम सब मिलकर वहां चले जाए। हमारा वहां जाना मुनासिब नहीं। अरे जलपान कराओ चंद्रकांत को, बेचारा थका हुआ आया है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ ना क्या बात है। तुम्हें मेरी कसम, सरस्वती अकेला नहीं, कुमुद भी उसके साथ है। कुमुद सरस्वती के साथ? कुनियन, हिम्मत से काम लो। तुम्हारी जैसी हिम्मत मैं कहां से लाऊं? बेटी पराए मर्द के साथ और तुम सब्र किए बैठे हो? गुनियन, इस लड़की ने हमारी बिरादरी में नाक नीची कर दी। बिजली क्यों ना टूट पड़े उस पर, जब मेरी कोख में तीव्रता क्यों ना बनी। गुनियन, हम लोग दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? हाय हाय, अब इसका क्या उपाय है? इसका सिर्फ एक ही उपाय है, और वो ये कि तुम अपनी जुबान बंद रखो। दुनिया में ढिंढोरा पीटने की जरूरत क्या है? मैं कोई ढिंढोरा थोड़ी पीट रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ साथ बैठकर राय मशवरा कर लो। राय मशवरे पंचायत करके ही तुम लोगों ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। अब उसको दो घड़ी तो खुश हो लेने दो। वो सरस्वती से प्यार करती थी, तुमने जबरदस्ती उसकी शादी प्रमाद ढंग से कर दी। जरा भी सरस्वती का इंतजार नहीं किया, वो रोती रही, चिल्लाती रही, फरियाद करती रही, लेकिन तुमने उसके अरमानों का गला हमेशा हमेशा के लिए घोंट दिया। उसने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारा इतना बड़ा जुल्म भी बर्दाश्त किया, और आज तुमसे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों? आज जब उसका पति भी मर चुका, सब कुछ तुमको ही खामोशी से बर्दाश्त करना पड़ेगा। खामोश रहने से अधर्म धर्म तो नहीं बन जाएगा बापा जी? प्रमाद धन मर चुका तो क्या, कुमुद के माथे से विधवापन का दाग तो नहीं मिट सकता। मैं उसके पास जाकर उसका धर्म, उसका कर्तव्य यही याद दिलाना चाहती हूँ। भाभी, तुम कुमुद को कौन सा धर्म याद दिलाओगे? विधवा का विवाह अगर अधर्म होता तो भगवान राम रावण को मारकर मंदोदरी का विवाह विभीषण से कभी ना करवाते। अरे छोड़ो उस धर्म की बातें, सब धर्मों से बड़ा धर्म है हमारा समाज। जानते हो, तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, घर से बाहर सूरत दिखानी मुश्किल हो जाएगी, हम सब बिरादरी के बाहर कर दिए जाएंगे। अगर मेरा धन दौलत इज्जत सब कुछ मिटकर भी मेरी बेटी को सुख मिल सकता है तो मैं उसके लिए खुशी से तैयार हूं। अब इतनी देर में बोले, मैंने तो सोचा था तुम्हें बहुत कुछ कहना है। तुम्हें भी तो कुछ कहना था। पहले सुनूंगी फिर कहूंगी, और अब समय पहले की तरह जल्दी जल्दी तो बीत नहीं रहा, कहना सुनना सब पूरा हो जाएगा। लगता है तुमने बहुत दिनों से दर्पण नहीं देखा, न जाने अपने आप से कौन से जन्म का बैर निकाल रहे हो। पिछला और अगला जन्म किसने देखा है कुमुद? लेना देना सब इसी जन्म में पूरा हो जाता है। तो फिर इसी जन्म को हंसी खुशी बिताओ। हंसी खुशी? अरे मैं तो भूल ही गई, फल तो खाए ही नहीं, लो खाओ। क्या हुआ?
अब और क्या होना बाकी है? देखो, भाग्य ने हमें कहां कहां मिलाया, लेकिन उस दिन न मिलाया जब कभी अलग ना होना था। जाने अनजाने कौन सा अपराध हुआ था मुझे भागिन से, क्या एक बार झूठ मूठ को भी नहीं बताओगे? कुमुद, घर छोड़ने के बाद मैं तुमसे मिलने आ रहा था, पर मेरी नाव तूफान में फंस गई और तुम तक पहुंचने में इतनी देर हो गई, जिसने जन्म भर के लिए तुमसे दूर कर दिया। तब ऐसा लगा मानो दुर्भाग्य के निर्दयी हाथों ने एक शरीर के दो टुकड़े कर दिए हों। न पहुंच पाने की बात तुमने कभी न लिखकर बताई और न कहकर। आज न पूछती तो आज भी न बताता। तो फिर मेरे ससुराल में आकर रहने का क्या कारण था? तुम्हें सुखी देखकर अपने दुखी मन को धीरज देना चाहता था, और जब देखा कि तुम सती की तरह अपने धर्म पर अटल रहकर जीवन की अग्नि परीक्षा में तिल तिल कर चल रही हो, तो मुझे बड़ा अभिमान हुआ कुमुद। लेकिन मैं इतना भाग्यवान नहीं था कि उस ज्वाला में भस्म होकर इस जीवन को समाप्त कर पाता। छी, कैसी बुरी बात मुझसे निकालते हो? विश्वास करो, मैं बहुत खुश हूं, बहुत सुखी हूं। देखो, हंस रही हूं ना? इस हंसी के पीछे जो मैं देख रहा हूं वो है वो आंसू जो आंखों तक नहीं आते। कुमुद, जिससे तुम सुखी रह सको वही प्रायश्चित मैं करना चाहता हूं। और जिससे तुम सुखी रह सको वही प्रायश्चित मैं भी करना चाहती हूं। चंद्र, मेरा मन कितना घुटता है जब मैं सोचती हूं कि मेरे कारण तुम अपना घर छोड़कर दर दर भटक रहे हो, और मैंने न तुम्हें आंसू बहाने का अधिकार दिया न क्षमा पाने का अधिकार लिया। कुमुद, मुझे तुमसे अब तुम आराम करो, अनकही बहुत सी बातें हैं, कुछ कह लेंगे शायद कुछ रह जाएंगी। अपने आप को दोष दूं या भाग्य को जिसने अपराध करवाया मुझसे और दंड दिया उसे? भूल हुई मेरी और यातना के अंगारों पर तड़पना पड़ा उसे। अपने अधिकार को पाकर भी छोड़ दिया मैंने और आंसुओं के भंवर में डूबना पड़ा उसे। आज उसी कुमुद से मैं कैसे कहूं कि तुम विधवा हो गई हो, तुम्हारा सुहाग लुट चुका है? मैं कैसे कहूं, कैसे कहूं? चंद्र, यहां मैं तुम्हारे बस में हूं,
पर तुमने मुझे अपने बस में करना तो दूर, बेबस करने वाली दृष्टि से भी एक बार नहीं देखा। तुम देवता हो और मैं, मुझे तो तुम्हारे चरण छूने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान जानता है कि यही हैं वो चरण जिनके नीचे आने वाली धूल बनने का वरदान मैंने मांगा था, जो मुझे नहीं मिला। के जीवन को एक किए देती। आओ बेटा, नहीं नहीं,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। भारत की नारियों ने अपने त्याग से आर्य धर्म की रक्षा की है। एक जीवन में स्त्री का दूसरा विवाह हुआ तो धर्म रसातल में चला जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। कुमुद, तुम? मुझे क्षमा करो चंद्र, मैं भावनाओं में खो गई थी। जानते हो, आंख लग गई तो स्वप्न देखा कि मैं और तुम और मेरी सास जी हमें आशीर्वाद दे रही हैं कि हम दोनों। कैसा विचित्र और असंभव स्वप्न है। यही स्वप्न मैंने भी देखा था, शायद इसलिए शरीर भले ही दो हों पर हम दोनों की आत्मा एक है। फिर भी वो केवल स्वप्न था। ये मेरा दुर्भाग्य है चंद्र कि मैं तुम्हें न पा सकी, लेकिन अब यही मेरा सौभाग्य होगा कि तुम सन्यासी बनकर संसार का त्याग न करो। ये मेरी प्रार्थना है, और अगर न मानो तो ये मेरी आज्ञा है। मुझे तुम्हारी आज्ञा श्रोधारी है, लेकिन तुम अब तुम्हें सुखे देखे बिना अब मैं कुछ न कर सकूंगा। तुम अपना कार्य आरंभ करो तो मैं निश्चिंत होकर घर लौट जाऊंगी। घर लौट जाओगी और क्या, वहां मेरे पति हैं, सास ससुर जी हैं, उन्हीं की सेवा करूंगी। अब यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं। ओ, समझ गई। लेकिन सुनो, मेरे पति भले ही मुझसे प्रेम न करते हों पर हैं तो वो मेरे ही, और मैं जानती हूं वो हृदय के बुरे नहीं हैं। अपनी श्रद्धा और सेवा से मैं उन्हें सुधार लूंगी। कुमुद, अब तुम्हारी इस पवित्र भावना और महान आदर्श पर वज्रपात हो चुका है। क्या मतलब? मैंने बार बार कहने का प्रयत्न किया, लेकिन बार बार साहस ने मेरा साथ छोड़ दिया। तुम्हारी सास और पति का देहांत हो गया है। आत्मा और परमात्मा, तपस्या और वरदान, धर्म और सत्य के बीच बहुत कम अंतर है कुमुद। हाँ। फिर भी उसे पार करने का मार्ग बहुत लंबा है। इसी तरह तुम और मैं एक दूसरे के हृदय में रहकर भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। अब तुम चाहो तो यह दूरी सदा के लिए दूर हो सकती है। सपने में तुम्हारी सास जी का दिया हुआ आशीर्वाद। चंद्र, तुम तो इतने विद्वान हो, ज्ञानी हो, क्या तुम नहीं जानते कि वैधव्यों में कितनी पवित्रता होती है? और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लोक कल्याण के कार्य में एक विधवा का साथ बाधा बनेगा। मत भूलो कुमुद कि आज के समाज में पत्नी के बिना कोई पुरुष अकेले लोक सेवा नहीं कर सकता। तो फिर जैसे धर्म के माता पिता और भाई बहन हो सकते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी धर्म की पत्नी तो नहीं पर सहधर्मचारिणी हो सकती हूं। उस रूप में मैं तुम्हारा साथ देने के लिए सदा तैयार हूं चंद्र। कुमुद, पहले मैं अपनी एक छोटी सी भूल से
तुम्हें ना पा सका और अब तुम जानबूझकर वही भूल करना चाहती हो जो मैंने की थी। मैं पूछता हूं, तुम्हें मुझसे विवाह करने में आपत्ति क्या है? जब आपत्ति नहीं थी वो समय बहुत पीछे रह गया। अब तो यही समझो कि मेरे मन से संसार का डर और स्त्री की लज्जा नहीं जाती। मेरा कहा मानो, किसी अच्छी लड़की से विवाह कर लो जो मेरी तरह विधवा ना हो। नहीं कुमुद, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे बिना मेरा भविष्य अंधकारमय है। उसे अपने कर्तव्य की ज्योति से प्रकाशित करो चंद्र। मेरे जीवन की ज्योति तुम ही हो कुमुद। शरीर से नहीं, हृदय से, जो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। जिस संयम और मनोबल से तुमने मेरे स्त्री धर्म की रक्षा की है, विवाह से पहले मेरे घर में, विवाह के बाद मेरे ससुराल में, और अब यहाँ के एकांत में, उसके लिए मैं तुम्हारे सामने सदा नतमस्तक हूँ। तुमने मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में पाया जब मैं तुम्हें पाने का स्वप्न देखकर जीवित थी। तुमने मुझे विवाहिता के रूप में देखा जब मैं मर मर कर जी रही थी, और अब तुम मुझे विधवा के रूप में देख रहे हो जब मैं न जी रही हूं न मर रही हूं। कुमुद, अब भी समय है। नहीं चंद्र, अब समय बहुत आगे निकल गया है। पहले मुझ पर तुम्हारा अधिकार था, फिर मुझ पर मेरे पति का अधिकार हुआ, और अब मुझ पर केवल मेरा अधिकार है। तो क्या मैं अपने अधिकार से तुम्हारे अधिकार पर अपना अधिकार नहीं कर सकता? राख को कोई कितना भी दहकाए, वो आग नहीं बन सकती। कुमुद, जाने से पहले इतना तो बता दो, तुम मुझे आशा बंधा रही हो या निराश कर रही हो? आशा और निराशा में बहुत कम अंतर है चंद्र। होगा वही जो भाग्य में लिखा है। मैं अब उसे विधवा के रूप में नहीं देख सकता। मैं तो कह चुका हूं कि अब उसका विवाह यहीं हो जाए और स्वामी जी के आशीर्वाद लेकर घर चले। लेकिन ये भी तो सोचिए, कुमुद का अगर विवाह हुआ तो उसके ससुर जी बेचारे सन्यासी नहीं हो जाएंगे, और उनके नन्हे से बालक को ममता और प्यार से पाल पोस कर कौन बड़ा करेगा? कुमुद पर अब हमारा नहीं, उसके ससुराल वालों का अधिकार है। मैं तो इसीलिए आया था कि बच्चे को कुमुद के गोद में रखकर अपना वंश और धन संपत्ति उसे सौंप दो, पर अपने स्वार्थ के लिए पुत्री समान बहू का जीवन नष्ट नहीं कर सकता। जो होगा निभा लूंगा। आप सब निश्चिंत रहिए, मैं स्वामी जी के सामने कुमुद को ससुराल के हर बंधन से मुक्त करता हूँ। अगर विधवा कुमुद का विवाह हुआ तो उसकी छोटी बहन को कौन अपनाएगा? सारा जीवन कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा कुसुम को। देख लेना, मैं अगर कुसुम के लिए सरस्वती ही जैसा वर नहीं लाया तो मेरा नाम मान चतुर नहीं। भाभी, अच्छा हुआ तुम मिल गए। लो अपने देवर को संभालो। देखा भाभी, तुम्हारी गोद में आते ही चुप हो गया। कुसुम, दीदी, ये मैं तुम्हें कैसे देख रही हूँ? क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हो गया है दीदी, क्या हो गया है दीदी? रो मत कुसुम, रो मत। कुमुद, तेरे और सरस्वती के कल्याण की यही राह है। अंबा माँ ने तेरी सहायता कर दी। कुसुम, तुम्हें अपनी दीदी पर एक उपकार करना होगा। कैसी बातें कर रही हो दीदी? तुम्हारे सुख, तुम्हारे जीवन के लिए मैं हंसते हंसते जान भी दे दूंगी। वचन से पीछे तो नहीं हटोगी? मांग कर देखो मेरी पगली कुसुम। दीदी, मेरी बहन दीदी,
ये लो कपड़े, इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जा। ये कपड़े क्यों? आज तुम्हारा विवाह है। आज अचानक? लेकिन मेरा विवाह क्यों? हमारा कहो, तुम्हें भी तो तैयार होना चाहिए। मैं तैयार हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जा, मुझे बहुत से काम करने हैं, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। कुमुद, मेरी आंखों में देखकर उत्तर दो, तुम्हारा स्वर क्यों बदला हुआ है? ठीक ही तो बदला हुआ है, आज मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन है, तुम्हारे शुभ विवाह का दिन। कुमुद, जितना मैं तुम्हें जानता हूं, समझता हूं, संसार में उतना और कोई नहीं। सच कहो, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? सोचा था बिना पूछे मेरी बात मानकर मुझे सम्मान दोगे। मैंने जो निर्णय किया है वो तुम्हारी और मेरी भलाई के लिए है। मैं तुम्हारा विवाह कुसुम के साथ करा रही हूँ। नहीं नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। अगर पत्नी के रूप में मैं किसी को स्वीकार कर सकता हूँ तो वो तुम हो, केवल तुम। इसी में सबों की भलाई है चंद्र, तुम संसार में लौट जाओगे, तुम्हारे माता पिता को उनका बेटा मिलेगा, संसार को एक लोक सेवक मिलेगा, कुसुम को तुम जैसा वर मिलेगा। मैं अपना कर्तव्य निभा सकूंगी, मेरा नन्हा सा देवर है, मेरे ससुर जी हैं, अब मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। और फिर मेरी बहन भी तो मेरा ही रूप है, उसे तुम्हारे लिए बड़ी श्रद्धा है, बहुत ममता है। और फिर ये भी तो याद करो, जब तुम पहली बार हमारे घर आए थे तो उसी को तो कुमुद समझ बैठे थे। यह हंसी में टालने की बात नहीं है कुमुद, मैं ऐसा अन्याय अपने साथ, तुम्हारे साथ और कुसुम के साथ भूल कर भी नहीं कर सकता। मुझे दुख है तुमने ऐसा सोचा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी बात तो सुनो, तुमने पूछा था अगर मैं अपने अधिकार से तुम्हारे अधिकार पर अपना अधिकार करना चाहूं तो, वही बात आज मैं तुमसे पूछती हूँ। अगर तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है तो कुसुम से मेरा विवाह कराने का तुम्हें क्या अधिकार है? मेरा अधिकार कहने सुनने के लिए नहीं है, मैं जानती हूँ तुम मानते हो। विश्वास रखो, जिस दिन तुम चाहोगे धर्म की सहधर्मचारिणी के रूप में मुझे अपने पास पाओगे। ये केवल भावना है जीवन नहीं, ये केवल सांत्वना है वास्तविकता नहीं। अगर पत्नी के रूप में तुम मुझे नहीं मिल सकती हो तो समझ लेना, इस जन्म का इतना ही संयोग था कि एक कोई सरस्वती चंद्र था जो नहीं रहा। इतने कठोर और निर्दयी न बनो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। मैं नहीं सुन सकता। मैं आज्ञा देती हूँ। मैं नहीं मान सकता। मैं भिक्षा मांगती हूँ। मैं नहीं दे सकता। You are.
क्या तुम जीवन में कभी मुझे सुख नहीं देना चाहते? क्या तुम यही चाहते हो कि मैं जन्म जन्म इसी तरह आंसू बहाती रहूं और सारी दुनिया मुझे सदा धुतकारती रहे? तो ठीक है, तुम जो चाहो करो, लेकिन याद रखो आज तुम मुझे सबसे बड़ा दुख दे रहे हो। अब मैं तुम्हें अपनी सूरत कभी नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं। कोई हवस नहीं थी प्यार में उसके, उसने प्यार महान किया और अपने महान प्यार का भी आखिर एक दिन बलिदान दिया। यूं सती कुमुद को सुख पहुंचाने, कुसुम को अंगीकार किया, सीने पे सिल रख के दिल में अश्कों का जहर उतार लिया। भारत की नारी होती है जग में आदर्श बहू रानी, अपना कर्तव्य निभाने को देती है सुखों की कुर्बानी। कर्तव्य कुमुद ने किया पालन, देवर को माँ का प्यार दिया, सरस्वती चंद्र के संग बहन को जन सेवा जो बीते पर उपकार में। एक त्याग मूर्ति बालक का अवतार हुआ संसार में, 100 साल पहले की बात है।